कोरोना वायरस महामारी ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी की वजह से भारत में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है, जिससे गरीब और मजदूरी करने वाले लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है। इस मुश्किल घड़ी से बचने के लिए लाखों की संख्या में लोग महानगरों से सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच कोरोना संकट में घर की ओर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान आगे आए हैं। पिछले घरेलू सत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले सरफराज खान ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों को खाने के पैकेट बांटे। सरफराज खान व उनके छोटे भाई मुशीर और पिता सहकोच नौशाद ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित अपने पैतृक गांव में प्रवासी मजदूरों को खाने के पैकेट बांटे। घरेलू टूर्नामेंटों में मुंबई का प्रतिनिधित्व करने वाले सरफराज खान लॉकडाउन के कारण अपने पैतृक गांव में फंस गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन के कारण मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव में हैं और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। जैसे कि हम लोग का भी रमजान चालू है, तो हम लोग भूखे प्यास से रहते, तो हम लोग को उसकी फीलिंग्स है कि कैसा भूख प्यास क्या होती है। तो इसीलिए हमने यही डिसाइड किया है कि ईद को स्किप करके उसका जो भी खर्चा रहेगा ऐसे गरीबों को मदद करेंगे। और साथ ही साथ एक अपील भी करेंगे कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, हर इंसान हर एक को तो नहीं कर सकता है पूरा, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर मदद कर सकता है। तो अपील है कि ऐसे लोगों की मदद करें जो परेशान हाल है, जो भूख प्यास से इतनी गर्मी में निकले अपने गांव की तरफ, तो एक इंसानियत के नाते एक फ़र्ज बनता है। और ऐसे कई जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि उन लोगों ने चालू भी किया है, उन लोगों को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं और एक बार फिर अपील करूंगा कि लोग आगे बढ़कर इस चीज़ का काम करें। इस साल हुए रणजी ट्रॉफी के सीजन में मुंबई की तरफ से सरफराज खान ने 6 मैचों में एक तिहरे शतक समेत 155 के औसत से 928 रन बनाए थे। सरफराज खान ने अंडर 19 स्तर पर भारतीय टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।